हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि ट्रेसर टेक्निक का जो है हम यूटिलाइजेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम कैसे करते हैं रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम ट्रेसर टेक्निक से कैसे पता करते हैं आज हम स्टडी करेंगे कि आपका इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है और मेडिकल फील्ड में इसका ट्रेसर टेक्निक का क्या यूटिलाइजेशन है रेडियो एक्टिव uh, रेडियो एक्टिव एसोटोप हैव बीन फाउंड मैनी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज बोथ इन रिसर्च एंड इन प्रोसेस कंट्रोल रेडियक्टिव एसोटॉप्स का हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज में भी रिसर्च में भी और उन हमारे जो है इंडस्ट्रीज में दोनों में किसमें रिसर्च में भी और आपके प्रोसेस कंट्रोल में भी अब कुछ इसके हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रेडियो ट्रेसर की इंडस्ट्रीज में स्टडी करेंगे द वियर ऑफ सर्फिस फॉर एग्जाम्पल पिस्टन रिंग एंड ऑफ गियर इन इंजन एंड इट्स प्रिवेंशन बाई मीन्स ऑफ बाय डिटर टेक्निक अब जो वियर हो जाता है सरफेस पे जैसे हमारे पिस्टन के रिंग्स पे या गियर्स में हमारे इंजन के और उसका प्रिवेंशन हम ल्यूब्रिकेशन की हेल्प से कैसे करते हैं ये हम डिटरमाइन करेंगे ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से स्टील पिस्टन इज एक्सपोज टू न्यूट्रोन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर सो इट बिकम रेडियोटिव हमने क्या किया स्टील के पिस्टन को रेडियो एक्टिव कर लिया द पिस्टन रिंग इज देन फिटेड दिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कम्बर्शन इंजन विच इज़ ऑपरेटेड इन द नॉर्मल वे विद ए पार्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो पिस्टन की रिंग है उसे हमने फिर फिट कर दिया जिसे किसे जिसे हमने अभी क्या बनाया रेडियो एक्टिव उसे हमने सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया इंटरनल कंबन इंजन के अंदर और सेम वो इसी तरह से ऑपरेशन करती है जैसे नॉर्मल करती है और सेम ऐसे ही हमने उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया बाय डिटरिंग द रेडियोटी रिमूव बाय द ऑयल जो ऑयल वहाँ से निकल रहा है उससे हमने क्या किया उसकी रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइन की द इवेंट ऑफ वियर ऑफ पेस्टन कैन बी डिटरमाइंड अब इसकी हेल्प से हम क्या पता कर लेंगे कि अब हमारा जो है लुब्रिकोटिंग ऑयल जो है हमारा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि मतलब वो लुब्रिकेशन उसे दे रहा है नहीं दे रहा है कि हमारा किस स्टेज तक आ गया है ये हम कैसे पता कर पा रहे हैं जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइन डिटरमाइन करके जो ऑयल वहाँ से आ रहा है तो इसका हमारा जो है उनमें जो है आपका जो ल्यूब्रिकेशन हमें किस किस समय पे देना है किस ड्यूरेशन पे देना है ये सब जो है हमारे लिए अब बहुत इजी हो गया कि सरफेस का वियर पता करने के लिए कि अब आपकी जो है उनमें आपकी जो है ल्यूब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है दूसरा है मेटल इन वेरियस फॉर्म्स पर्टिकुलरली एज अलायज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू डिफरेंट ट्रीटमेंट सच एज इज हार्डनिंग एनिलिंग एंड रोल मिलिंग अब जब हमारे हम एलॉयज़ बनाते हैं बहुत सारे मेटल्स की हमारे एलॉयज़ होती हैं तो वो बहुत सारे स्टेज से गुज़रती है जैसे कि एज़ हार्डनिंग है एनीलिंग है क्विंशिंग है रोल मोलिंग है आपकी बहुत सारी स्टेज से गुजर के वो एलॉय बनती है तो हम बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप हैं उनका हम स्टेज मतलब किस स्टेज पे पहुंच गया वो कहाँ तक आया है ये हम जो क्या है रेडियो ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से पता कर लेते हैं पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ये है क्या एज हार्डनिंग एनिंग और ग्वेंटिंग एज हार्डनिंग क्या है ये एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है स्ट्रेंथ मेटल्स को और उनके अलाउस को स्ट्रेंथ देने के लिए ये हमारे जो है स्टेप लिया जाता है तो एज हार्डनिंग हमारी हो पाई है कि नहीं हो पाई है इसकी यहाँ ये भी हम ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से पता करते हैं अब दूसरा मेथड है एनीलिंग एनीलिंग क्या है ये भी एक तरह का हिट प्रोसेस है जिसमें जो उसके दैट चेंजेस द फिजिकल एंड टाइम ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल टू इंक्रीज द द डक्टिलिटी एंड टू रिड्यूस हार्डनेस ये हीट ट्रीटमेंट किस काम में आता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है मटीरियल की उसकी डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए और उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए अब क्विंचिंग क्या है ये भी एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है दैट इन वॉज अ रेपिड कूलिंग ऑफ ए मेटल टू एडजस्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसमें जो रैपिड कूलिंग करते हैं मेटल की उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट करने के लिए तो ये हमारे जो है बहुत सारे स्टेज के थ्रू गुजरता है जब हमारा कोई एलिमेंट जो है एलोए के फॉर्म में आता है तो इन बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स को हम हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस किस स्टेज के थ्रू होके जा रहा है वो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रीटमेंट इट इज डिजायरेबल टू नो इज़ हैपनिंग टू द दिटेंट एलिमेंट्स इन्हें उसका जो है इन इफेक्ट का क्या इन ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है ये पता करने के लिए जो है हमने क्या किया इट इज डिजायरेबल टू नो वट इज हैपनिंग टू द कंस्टिट्यूंट उनके भी, उन्हें हो क्या रहा है ये हमें पता करना जरूरी है तो ये हम ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से इजिली पता कर पाते हैं रियोडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ दीज एलिमेंट प्रोवाइड अ सिंपल एंड इफेक्टिव टूल फॉर फॉलोइंग देयर बिहेवियर उनका बिहेवियर पता करने के लिए समझ लो हमें आयरन से ही अलॉय बनानी है तो हम क्या करेंगे उसे रेडियो लेबल्ड कर देंगे या जो भी हमें लेना है जिस भी जिस भी चीज को का हम जो है एलोय बना रहे हैं उसे हम क्या कर देंगे रेडियो लेवल्ड कर देंगे रेडियो लेबल करने से क्या है कि हम किसी भी स्टेज किस स्टेज तक पहुंचा किसी भी स्टेज को हम इजीली आपका किसी भी स्टेज पर उसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी उसकी डिटरमाइन करने से तो वो कहाँ किस स्टेज तक पहुंचा समझ लो पहले एज हार्डनिंग पाएगा फिर एनीलिंग होगी फिर कोंचिंग होगी फिर कोल्ड रोलिंग होगी तो कहाँ तक पहुँचा वो हमारा ये हम क्या करेंगे उसे रेडियो लेबल्ड कर देंगे समझ लो हमने उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज हमें कार्बन ही हम उसमें यूज कर रहे हैं तो हम कार्बन का जो सी थर्टीन के

अब जो मूवमेंट हो रहा है एटम्स का किसी मेटल के अंदर उसी के क्रिस्टल लेटिस के अंदर इसे भी हम रेडियो ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ए ब्लॉक ऑफ मेटल सच एज कॉपर कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेबल आइसोटॉप हैज अ लेयर ऑफ सेम मेटल कंटेनिंग रेडियो आइसोटॉप डिपोजिटेड ऑन इट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी हमने एक ब्लॉक लिया मेटल का जैसे कि कॉपर है जिसके अंदर हमारे क्या है स्टेबल आइसोटॉप्स लिए हमने हैज़ ए लेयर और उसी के उसी के सेम मेटल की रेडियो लेबल्ड कर लेंगे जैसे कॉपर लिया तो उसका रेडियो आइसोटॉप हम उसके अंदर ले लेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में हम उसे ले लेंगे हमारा तो क्या हो डिपोजिट हो जाएगा उसके ऊपर सरफेस के अब वो अंदर कितना पेनिटेट होता जा रहा है कितना डिफ्यूज़ होता जा रहा है ये हम रेडियो एक्टिविटी उसकी ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमने नॉर्मल आइसोटॉप के साथ एक रेडियो आइसोटॉप डाल दिया तो वो अंदर कहाँ तक डिफ्यूज़ हो पा रहा है ये हम जो है ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से पता कर पाए पता कर पाएंगे आफ्टर सब्जेक्टिंग द ब्लॉक टू हीट ट्रीटमेंट सक्सेसिव थिन लेयर्स आर शेयर्ड ऑफ द सरफेस एंड देयर एक्टिविटीज मेजर्ड हमने क्या है ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किसकी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की आप फिर क्या किया हमने हीट ट्रीटमेंट दिया ताकि वो नीचे की सक्सेसिव लेयर में पेनिट्रेट हो पाए और वो कहाँ तक पेनिट्रेट हो पा रहा है ये हम जो है ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से पता कर लेंगे इन दिस वे द पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम इनटू द स्टेबल मेटल कैन बी डिटरमाइंड उसके अंदर कितना पेनिट्रेशन कहाँ तक हो पा रहा है ये हम रेडोट्रेस टेक्निक की हेल्प से पता कर लेंगे नेक्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू फॉलो द मोशन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस एज वेल एज ऑफ सॉलिड्स रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की हेल्प से हम ये भी पता कर लेते हैं लिक्विड का मोशन गैसेस का मोशन और सॉलिड्स का भी कभी-कभी

अब जो हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो किसी भी एक लोकेशन से हम जो है सैंपल ले लेंगे और ये देखेंगे कि उसके अंदर कितनी एक्टिविटी आ रही है सब जगह बराबर एक्टिविटी यदि आ रही है तो इट मीन क्या हुआ कि मिक्सिंग जो है यूनिफॉर्म हुई अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं हुई तो उसका मोशन हमने लिक्विड का या गैसेज का पता किया किसकी हेल्प से आपका रेडियो ट्रेसर की हेल्प से रेडियो ट्रेसर एक्टिविटी ऑल्सो प्रोवाइड कन्वीनियंट मीन फॉर डिटेक्टिंग स्पेशल इन बर्ड पाइप कैरिंग वाटर और पेट्रोलियम रेडियो एक्टिव ट्रेसर की हेल्प से हम आसानी से लीकेज पता कर सकते हैं अंडरग्राउंड पाइप से जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कैरी वाटर और पेट्रोलियम को हम कैरी करते हैं उनके अंदर का लीकेज हम इजीली पता कर सकते हैं कैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो सब्सटेंस इज डिजोल्ड इन द लिक्विड नियर द पॉइंट ऑफ सस्पेक्टेड लिक्वेज जहाँ हमें लग रहा है कि लीकेज हो रहा है वह हम क्या करेंगे एक स्मॉल क्वांटिटी रेडियो सब्सटेंस की लिक्विड के अंदर डिजोल्व करके उसके कर अंदर डाल देंगे द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द लीक कैन बी दैन फाउंड बाई मीन ऑफ ए सेंसेटिव गामा रे काउंटर एक गामा रे काउंटर की हेल्प से हम ईजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपका जो है लीकेज कहाँ पर है जहाँ पे लीकेज होगा वहीं पे वो रेडियो एक्टिविटी एकदम से हमें जो है दिखाई देगी तो हम वो लीकेज को आसानी से पता कर पाएंगे रेडियो एक्टिव सबस्टांस की हेल्प से तो ये तो थे हमारे इंडस्ट्रीज में उसका क्या यूज़ है अब मेडिकल फील्ड में उसका क्या यूज़ है ये हम स्टडी करेंगे रेडियो एसोटोप हैव बिकम अ वेरी वेल्यूबल टूल इन द डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी डिजीज इसका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ हमारा मेडिकल टेक्निक में कि मेडिकल टेक्नोलॉज साइंस में हमारा बहुत इसका वाइड यूज है कि डिजीज़ का डायग्नोसिस हम ईजीली कर पाते हैं इसकी हेल्प से उनका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं दे हैव प्रूव टू भी पर्टिकुलर यूजफुल इन सर्टीन केसेज वेयर कन्वीनियंट डायग्नोसिस प्रोसेस हैव नोट बिन टू सेटिस्फैक्ट्री ये बहुत हेल्पफुल हुई वहाँ पर जहाँ हम जो है जो हमारे अब तक कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक प्रोसेस थे जहाँ से हम सेटिसफेक्ट्रिल उनकी हेल्प से हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अब प्रेशर टेक्निक की हेल्प से हम उन्हें और ज़्यादा इफेक्टिवली डिटेक्ट कर पा रहे हैं रेडियो आइसोटोप हैव बीन यूज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस तरह से चल रहे हैं ये भी हम रेडियो आइसोटोप की हेल्प से पता कर पाएंगे द मेकेज्मन ऑफ ड्रग्स ड्रग्स का आपका मतलब क्या मैकेनिज्म है उसकी एक्शन का हमारा ये भी है हम पता कर पाते हैं कैंसरियस सेल्स की जो लोकेशन है वो हम इजीली डिटेक्ट कर, कर पाते हैं जो ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी हम रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से इजीली पता कर पाते हैं कैसे पता कर पाते हैं ये हम हम स्टडी करेंगे द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रेडियो एसोटॉप्स इन मेडिकल साइंस फर्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू डायग्नोज द रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन विच सोडियम हैज़ बिन लेबल्ड विद सोडियम ट्वेंटी फोर इज इंजेक्टेड इन टू द वेन ऑफ द पेशेंट फोर जी समझ लो कहीं ब्लड में रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है उसका कहीं ब्लॉकेज है तो हम कैसे पता करते हैं हम चूँकि सोडियम हमारे जो बॉडी में सोडियम पोटेशियम का पम्प चलता है तो उस हम क्या करेंगे ये अब हम एन ए सी एल नॉर्मल ना लेके हमने सोडियम को क्या कर दिया लेबल्ड कर दिया और पेशेंट की फोर आर्म फोर आर्म में वो इंजेक्शन की हेल्प से वेन में हमने क्या है उसे इंजेक्ट कर दिया अब वो चूंकि सोडियम पोटेशियम फ्लो जो हमारा पम्प चलता है और हमारा क्या है ब्लड जो है क्या है वो फ्लो होगा पूरी बॉडी में फ्लो होगा तो वो जो रेडियो आइसोटोप है वो क्या है पूरी बॉडी में फैल जाएगा हमारा तो हम एक गामा रे काउंटर लाएंगे पेशेंट के फिट के नीचे मतलब पैर के नीचे हम उसका पैर जो है गामा रे काउंटर पर रखेंगे यदि ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल है तो रेडियो एक्टिविटी फुट में इजीली डिटेक्ट हो जाएगी अब यदि हमारा रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है कहीं कही ना कहीं में रुकावट है ब्लड के फ्लो में तो वहाँ तक रे, रेडियक्टिविटी नहीं आ पाएगी इफ़ देर इज अ सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट ऑफ सम काइंड द रेडियोक्टिविटी इनक्रीजेज स्लोली शोइंग दैट द ब्लड हैज डिफिकल्टी इन रीचिंग द फूट ये क्या शो कर रहा है ये इम्पेयरमेंट है कहीं हमारा किसी तरह का तो जो है हमारी क्या है जो है हमें क्या यदि ब्लड में कहीं किसी तरह का कोई वो है फ्लो हमारा रेस्ट्रिक्टेड फ्लो हो पा रहा है मतलब फ्लो नहीं हो पा रहा है तो वो हम क्या है भाई वहाँ मेरी एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हो पाएगी तो हम क्या करेंगे उसे ईजिली हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ हमारा उसके अंदर इम्पेयरमेंट है अब हम पहले फुट के पास ला के देखेंगे यदि कहीं वो एक्टिविटी हमारे डिटेक्ट नहीं है हो रही पा रही है तो हम क्या करेंगे उसे पूरी बॉडी में जो है हम क्या है उसे हम क्या है पूरी बॉडी में घुमा के देखेंगे बाई मूविंग द काउंटर टू तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द पोजिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन कैन बी लोकेटेड हम रेस्ट्रिक्शन उसका इजिली हम क्या है डिटेक्ट कर पाएंगे तो ये ये था कि हमारा जो है यदि रेस्ट्रिक्शन है ब्लड के फ्लो में तो हम जो है उसे कैसे पता कर पाएंगे दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व ये उसका कैसे पता करेंगे उसके एब्जॉर्प्शन का जो वाइटामिन बी ट्वेल्व है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग द एलिमेंट कोबाल्ट इसके एक्टिव साइट पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कोबाल्ट इट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन लीवर एंड इज़ रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एज रिक्वायर्ड ये हमारा नॉर्मली लीवर में स्टोर रहता है और ब्लड स्ट्रीम में तभी रिलीज होता है जब हमारा रिक्वायर्ड होता है द वायटामिनज़ बिन प्रपेयर्ड विद अ कोबाल्ट एज रेडियो आइसोटॉप हमने क्या किया इस वायटामिन का जो हमारा को जो ये है उसकी एक्टिव साइट पे जो हमारा एलिमेंट है कोबाल्ट इसे हमने रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया इससे फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट सिक्सटी एंड इट्स रेट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द लॉस फ्रॉम द बॉडी हैज़ बिन स्टडीड अब उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हमने भी स्टडी किया और बॉडी से उसका लॉस स्टडी किया यदि लॉस ज़्यादा हो पा रहा है तो इट मीन क्या है वो एब्जॉर्प्शन उसका हो ही नहीं रहा है हमारा तो होल बॉडी रेडिएशन मेजरमेंट विद लेबल्ड वाइटामिन बी ट्वेल्व आर बींग यूज फॉर द यूज इन द स्टडी ऑफ एनीमिया पेरीशियानीमिया एनीमिया वो डिजीज़ है हमारा जिसमें क्या है कि वाइटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉपशन हो नहीं पा रहा है तो ये हम ईजीली हम पता कर पाएंगे जब हमने कोबाल्ट को क्या है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया नॉर्मल वाले कोबाल्ट की जगह हमने क्या लगा दिया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमने लगा दिया अब नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है गोयटर एक डिजीज है सॉरी uh, हमारा क्या है जो है uh, ये uh, ये डिजीज है हमारी गोइटर की तो ये क्या कब होती है हमारी जब थाड हमारी बॉडी में एक ग्लेंड है जब इसकी ग्रोथ हम ये हमारा जो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब इसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती कैसे कि किसी किसी में ये ग्लैंड हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हाइपर एक्टिव हो जाता है और किसी किसी में ये क्या है हमारा इसकी एक्टिविटी कम होती है तो मतलब कुछ के अंदर ज़्यादा हो रही है कुछ के अंदर बहुत कम हो रही है इसकी एक्टिविटी तो यदि ये, ये ओवर एक्टिव है मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है उस उस बीमारी को हम करेंगे हाइपर थारॉडिज्म और यदि ये, ये हमारा अंडर एक्टिव है इसकी एक्टिविटी हमारी नॉर्मल से नीचे है तब हम कहेंगे हाइपो थायरोडिटिक और दोनों ही कंडीशन जो है अनहेल्दी है तो जो अब हम क्या करेंगे लाइट डोज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन इन दम ऑफ एन गिवन टू द द पेशेंट एंड एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड इज मेजर्ड हम लाइट डोज दे, दे देंगे आयोडीन की क्योंकि आयोडीन की डिफिशेंसी से ही हमारा गोइटर होता है यदि आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है <laughs> तो हम क्या करेंगे नॉर्मल आयोडीन की जगह हम क्या कर देंगे रेडोएक्टिव आयोडीन दे देंगे और उसके बाद हम जो है थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी गामा एक्टिविटी हम उसकी मेज़र करेंगे तो हमें इजीली पता पल चल जाएगा कि वो हमारा थायरॉयड ग्लैंड उसे एब्जॉर्व कर रहा है हमारा जो है जो है, जो है उसे एक्टिविटी उसकी नॉर्मल हो रही है नहीं हो पा रही है हमारा उसका सिक्रेशन हमारा किस तरह का है नॉर्मल है नहीं है ये हमें जो है ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इसका रोल है वो है हम ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन इसकी हेल्प से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे ब्रेन आर डिफिकल्ट टू लोकेट लोकेट उन्हें locate करना आसान नहीं है इट इज नोन दैट सर्टेन डाइज लाइक फ्लोरसिन रोज बेंगाल एब्जॉर्ब बाई कैंसरियस कुछ कैंसरियस सेल्स जो है हमारी कुछ डाइज को एब्सॉर्व कर लेती हैं उनमें से दो डाइए हैं फ्लोरसिन और रोज बेंगाल द टेक्निक इज़ टू लेबल द डाई विद वन थर्टी वन आयोडीन एस डाई आयोडोफ्लोरिसिन हमने हम क्या करेंगे इसका जो हमारी फ्लोरोसिन की डाई है इसका हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा आयोडीन भी वो जो रेडियो लेबल्ड है तो रेडियो लेबल्ड आयोडीन के साथ रिएक्शन करने से क्या हो गई ये हमारी डाई आइसोफ्लोरिसिन हो गई अब हम क्या करेंगे ये पेशेंट के अंदर हम क्या है इंजेक्ट कर देंगे और फिर उसे जो है पूरी बॉडी में हमारी ये हमारी फैल जाएगी तो तब हम क्या करेंगे इस जो कैंसरस सेल है वो इसे इजीली अब्सॉर्ब कर लेंगी क्योंकि फ्लोरेसिन डाई को वो इजीली अब्सॉर्ब करता है तो इस डाई फ्लोरेसिन को भी वो इजीली अब्सॉर्ब कर लेंगे तो अब हम इसकी हेल्प से हम क्या-क्या करेंगे जो है जहां हमें लग रहा है, जो है हम कैसे उसकी पोटिशन डिटेक्ट करेंगे जो कि जहां भी हमारी कैंसरस सेल होंगी वो क्या करेंगी इस डाई को अब्सॉर्ब कर लेंगी तो ये जिस साइट पे हमारी रेडियो एक्टिविटी मिलेगी इटमिन क्या है वो हमारी क्या है कैंसरे सेल है उन सेल्स ने हमारा क्या है इस डाई को एब्सॉल्व किया इटमिन क्या है उसकी लोकेशन हम इजीली ट्रेस कर पाते हैं नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एबनॉर्मलिटी ब्लड की एबनॉर्मलिटी को भी हम इसकी हेल्प से ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस थर्टी टू द रेडियो एसोटॉप इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम फॉसफोरेट इन वाटर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम ब्लड एबनॉर्मल्टीज फॉस्फोरस थर्टी टू एक रेडियो एसोटॉप है ये हम जो है सोल्यूशन के फॉर्म में सोल्यूशन सोडियम फोस्फेट के सोल्यूशन के फॉर्म में वाटर में से हम डिजोल्व करके कुछ ब्लड एबनॉर्मलिटीज को ट्रीट करते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक्लोमिया पोलीथेलीसीमिया ये हमारी जो है कुछ ब्लड की एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो हम इसकी हेल्प से ट्रीट करते हैं द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज टेकन अप बाय बोन मैरो वेयर द रेड ब्लड सेल एंड सम ऑफ द वाइट सेल्स आर प्रोड्यूस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो हमारी कहाँ

रोक देगा तो ब्लड की जो अब जो है हम इसकी हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं यह था हमारा आज का टॉपिक थैंक यू